सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। चीता चीता पसंद है तो चंद्रशेखर चीता है। चीता ही कहते हैं। अरे वाह, तो आपने चंद्रशेखर को चीता घोषित कर दिया। देख चंद्रशेखर भाई बढ़िया लगे थे ना इस बार। क्यों बढ़िया लगते हैं? मूंछ उनकी अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? मूंछ बढ़िया लगती है उनकी। नया युवक है, बढ़िया काम करेगा, इसी के लिए समाज इसके साथ लगा। ठीक, गर्दन भले से कट जाए मगर झुकूंगा नहीं किसी का सामने। झुकना नहीं है मतलब, गर्दन चाहे कट जाए सम्मान नहीं जाना चाहिए। हाँ। ये बात बोली चंद्रशेखर भाई ने, ये पसंद आई। चलिए हाँ। बहुत खूब। आपको लग रहा है जीतेगा चंद्रशेखर? तो 101% कैसे रहे हैं 10 साल मोदी सरकार के? मोदी सरकार में इतना खास तो है नहीं। तो मोदी सरकार से भी कोई फायदा नहीं? हमें तो मोदी सरकार से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। वो तो कह रहे थे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ रही, तो पैसे लगा रहे कौन सा हमें कोई बोल रहा है। वजीफा हुआ था, वजीफा भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा सब। लेकिन ये बताइए साइकिल से क्यों नाराजगी हो गई इस बार? नाराजगी नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन आपको लग रहा है नया नहीं साइकिल से नाराजगी? सिर्फ नए आदमी को चांस मिलना चाहिए। चलिए ये बात आपकी, नाराजगी उससे नहीं है। हाँ हुए वो तो जो है बच्चा बदलावा केजरी बाबू के सब बदले केजरी की तरह। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी नगीना लोकसभा में हैं और यहाँ लाल सराय मोहल्ले में हैं। ये मुख्य रूप से एक दलित मोहल्ला है, ज़्यादातर यहाँ पर एससी समाज के लोग हैं। यहाँ नगीना लोकसभा सीट में लगभग 45% मुस्लिम वोट हैं और लगभग 25% दलित वोट हैं। आम तौर पर यहाँ पर पिछले सालों में बसपा में यहाँ दलित और मुस्लिम वोट जब एक साथ जाते थे तो बसपा के प्रत्याशी जीतते थे। दलित समाज यहाँ पर ज़्यादातर एक समय पर बहन जी के साथ थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, लेकिन इस बार गठबंधन जो उम्मीद कर रहे थे कि आज़ाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बन जाएगा, वो कई कारणों से सफल नहीं हो पाया। क्या सही कारण थे ये तो राजनीतिक गलियारों में ही लोग समझते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी से भी, बहुजन समाज पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं और साथ में भाजपा के दो उम्मीदवार हैं और साथ में आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी भी इस बार चुनाव में उतरे हैं नगीना से। आइए पता करते हैं दलित समाज से कि इस बार क्या वो बहन जी की तरफ ही ज़्यादा उनका रुझान है या कुछ बदलाव आया है केतली की तरफ। आइए जी। जय भीम जी। जय भीम। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम निर्मल। निर्मल जी ये बताइए चुनाव आ रहा है अभी क्या रुझान है? रुझान तो चंद्रशेखर का ही चल गया है सर। मतलब केतली पर जा रहे हैं इस बार? क्या बात है, इस बार हाथी क्यों नहीं दिख रहा? हाथी वाले जब उनके ना पता हाथी वाले का कौन खड़ा कौन ना, कोई आया ही ना अभी तक मोहल्ले में। अच्छा तो बताओ क्या हाथी को देखें इस बार? चंद्रशेखर आता है तो चंद्रशेखर को देखें। ये नौजवानों को पसंद आ रहे हैं चंद्रशेखर या पूरे समाज में ही? वो समाज में ही, पूरे समाज में। हाँ। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जैसे अभी यहाँ पर हम लोग अभी मुसलमानों से भी बात करी नगीना से, वहाँ तो मतलब लगभग एक तरफा वहाँ केतली 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 हो रही थी। ये क्या है कि यहाँ पर दलितों में भी मुसलमानों में भी ये इस बार चंद्रशेखर का इतना एक रुझान खड़ा हुआ है? नया युवक है, बढ़िया काम करेगा, इसी के लिए समाज इसके साथ लगा। ठीक, आपको लगता है कि नौजवानों की भी आवाज़ उठाएगा, सबकी आवाज़ उठाएगा? जी साहब आपका नाम? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव जी क्या इस बार रुझान है चुनाव का? रुझान केतली पर ज़्यादा वोट है। केतली पर है? आप पिछली बार कहाँ गए थे? पिछली बार जो हम जो साइकिल पर गए थे। साइकिल पर गए थे तो क्या हुआ इस बार, क्यों बदलाव आ रहा है? साइकिल से आप लोग केतली पर आ रहे हैं, वहाँ मुसलमान भी कह रहे हैं कि हम केतली साइकिल से केतली पर आ रहे हैं या हाथी से केतली पर आ रहे हैं? सर सभी लोगों को अजमा लिया है, अब नया चेहरा आया है, नया बंदा है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, वो पहला बंदा उसे भी आजमाओ। तो आपको लग रहा है कि एक नए चेहरे को एक मौका मिलना चाहिए जो बात कर सकते हैं? ठीक है जी। आप बताएं साहब आपका नाम? मेरा मनोज कुमार। मनोज जी क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। 10 साल कैसे रहे हैं मोदी सरकार में मजदूरों के लिए? अच्छे रहे हैं। क्यों आपको अच्छे लगे हैं 10 साल? सही है काम का और क्या? हाँ सही है। मतलब क्या सही लगा कि क्या बोल रहे हो सर? मैं पूछ रहा हूँ महंगाई बढ़ गई, क्या दिक्कतें बढ़ी हैं मजदूरों के लिए या कुछ अच्छा हुआ है मजदूरों के लिए? कोई महंगाई नहीं बढ़ी। काम भी बढ़ा है। अच्छा मैं काम भी बढ़ा है, मजदूरी बढ़ी है। मजदूरी बढ़ी है। अच्छा चलिए आप ये बताइए फिर क्या आप क्या कमल पर ही जा रहे हैं इस बार? नहीं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? कमल पर नहीं जा, अभी तो यहाँ जो यहाँ का जो लोकसभा का जो है ना मुस्लिम वो केतली कह रहा है अभी, वो ज़्यादा सबब है। हाँ अगर यहाँ का मुस्लिम के ऊपर डिवाइड है। आप कहाँ जा रहे हैं? मुस्लिम जहाँ जा रहे हैं सो जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं मनोज? अभी कुछ नहीं।
अभी आपने सोचा ही नहीं है? सोचा नहीं अभी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अभी सोचेंगे। पिछली बार कहाँ गए थे? पिछली बार हाथी पे गए थे। आप बताओ जी, क्या नाम है आपका? अमोल राठौर। अमोल, क्या करते हो बेटा? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या उम्र हो गई है? हमारी 18 साल। तो पहली बार वोट डालोगे? जी। अच्छा, चलो मुबारक हो। पहली बार वोट कहाँ डाल रहे हो? केतली पर। केतली पर डाल रहे हो, वाह, क्यों? और एक चंद्रशेखर भाई बढ़िया लगे थे ना इस बार। क्यों बढ़िया लगते हैं? मूंछ उनकी अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? मूंछ बढ़िया लगती है उनकी। मूंछ में क्या अच्छा लगता है? अरे मूंछ बढ़िया लगती है ना उनकी। मूंछ तो मोदी जी की भी है, ऐसी दाढ़ी वो वाली बात नहीं है ना। मोदी जी की सफेद हो गई, मोदी जी की सफेद हो गई ना। आपको नौजवान मूंछ चाहिए है, दमदार। अच्छा, लेकिन उसके अलावा बताओ, शेखर भाई, चंद्रशेखर भाई जो है, क्यों पसंद है आपको? अरे बढ़िया लगते हैं ना वे। अच्छा, कौन सी बात बढ़िया लगती है? अरे भी थोड़ी बात बढ़िया बोलते हैं। बात बढ़िया बोलते हैं, ठीक। आपका नाम? मेरा नाम राधे है। राधे, राधे क्या करते हो? मैं काम कर रहा। क्या उम्र हो गई? मेरी 24 साल। कैसी रही है ये मोदी सरकार 10 साल? बस सही है, जैसे भी है। सही है जैसे भी है। तो क्या वोट कहाँ करोगे? हम तो केतली वाला आदमी है। आप केतली वाले हैं? ये बताइए, केतली क्यों पसंद आ रहा है इस बार? केतली युवा आदमी है ना वो। हाँ, इस वजह से चंद्रशेखर इसलिए पसंद आ रहा है, युवा आदमी। सबको देख ले, एक दफे से भी देखेंगे ना भाई को, अपने मौका मिलना चाहिए सबको। ठीक है, ये बताओ, ये जो आपका लाल सराय है, यहाँ पर ज़्यादातर दलित समाज के जो यहाँ लोग रह रहे हैं, इसी समाज ज़्यादातर समाज का वोट इस बार कहाँ जा रहा है? केतली पर। केतली पर जा रहे हैं? केतली पर जा रहे हैं। नहीं, आप लोग तो जा रहे हैं, आपने बोला, बाकी का वोट किधर जा रहा है? केतली पर जाएगा। ताऊ, राम राम, जय भीम जी। क्या नाम हुआ ताऊ? शरीफ अहमद। हाँ जी, शरीफ अहमद। शरीफ अहमद साहब, शरीफ साहब किधर वोट कर रहे हैं इस बार? वोट केतली पर। केतली पर, आप भी केतली पर। क्या हो गया है? युवा पसंद आ रहा है। युवा पसंद आ रहा है, वो नौजवान लड़का है, दमदार लग रहा है। चांस मिलने चाहिए उसको। चांस मिलना चाहिए, सही कह रहे हैं आप। आगे से क्या हमारे पूरे टुकड़ी की चाहिए? हां, मुस्लिम सब सुविधा, मुस्लिम सारा केतली है। सब थोड़ी जाना, देखो साइकिल भी लेके जागी। हाँ, लेकिन वोट ज्यादातर इसी को जा रही है। ज्यादातर उधर जा रही है केतली। और यहाँ पे दलित समाज भी कह रहा है ज्यादातर केतली, ये भी ज्यादातर इसी को दे रहा है। तो फिर आपको लग रहा है जीतेगा चंद्रशेखर? तो 101% चलिए शरीफ साहब, लेकिन ये बताइए साइकिल से क्यों नाराजगी हो गई इस बार? साइकिल से नाराजगी नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन आपको लग रहा है नया? नहीं, साइकिल से नाराजगी सिर्फ नया आदमी को, क्या चांस मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। चलिए, ये बात भी आपकी ठीक है, नाराजगी उससे नहीं है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? महफूज हसन। महफूज साहब, कहाँ वोट डाल रहे हैं इस बार? इस वक्त मेरा जहन तो केतली की तरफ है। क्या हो गया, सबका जहन केतली की तरफ? जहाँ भी हम जा रहे हैं माइक को लेकर, मुसलमानों में, दलितों में, सब और भी समाज होंगे जो केतली कह रहे हैं। दरअसल मैं देखता हूँ कि किसी भी पार्टी ने आज तक हमारे दस्तरखान पे आके, हमारे खानों पे आके फैसला नहीं करा कि तुम ये खाओगे, तुम वो खाओगे, ये नहीं खाने के, ये बंद रहेगा, वो बंद रहेगा। आज तक किसी पार्टी ने ऐसा मामला हमारे दस्तरखान तक पहुँचने की हिम्मत ही नहीं करी। तो एक किस्म का दमन हुआ है 10 सालों में। सही बात। और हकीकत पूछो तो हमें ये नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं। चंद्रशेखर का क्या जो दमन रहा है, क्या आपको लगता है उसके खिलाफ वो संघर्ष करते आए हैं या आगे भी करेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो उन्होंने करी हैं। हाँ, और उम्मीद है आगे भी करेंगे। दरअसल अब ये है कि मैं जो बात कह रहा हूँ कि ना उम्मीद नहीं होना चाहिए किसी से। सही बात, तो उम्मीद ही कर सकते हैं। सही बात। अब आगे का काम वो करें ना करें, क्या कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप चलिए, आपको मैंने रोक दिया, आपके काम से जा रहे थे। जी साहब, क्या नाम हो अपना? फूल सिंह। फूल सिंह जी, कहाँ वोट दे रहे हैं? नाम फूल है तो वोट भी फूल पर होती है। यार, फूल पे दे देंगे, क्या हो गया? अरे कैसी बात हुई। चलिए बताइए, कहाँ वोट दे रहे हैं? चुनाव का क्या माहौल बन रहा है? जैसे आपके यहाँ कई लोगों से बात हुई, केतली केतली क्या कर सकते हैं? चुनाव का कोई भरोसा नहीं होता। नहीं भरोसा रहा? हाँ, पब्लिक का कोई पता नहीं कहाँ को चल गए। अच्छा, आप करते क्या? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। 10 साल कैसे रहे हैं आप जो मजदूरी कर रहे हैं? महंगाई बढ़ी है क्या? दिक्कतें बढ़ी हैं या कुछ सुधार आया है? दिक्कत नहीं बढ़ी, बढ़िया रहे हैं। भैया, ये इनका लड़का ये खड़े थे जब कह रहे हैं केतली की देंगे। अंकल जी क्यों पसंद कर रहे हैं आपके पास? अरे कोई बात नहीं, जो कह रहे हैं तो मतलब सबका, हमारा घर का वोट केतली पे ही जा रहा है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? ललित साहब। ललित, ललित क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। ललित क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो। कैसे रहे हैं 10 साल आपके लिए? बस सही है, सरकार तो सही भी, ये भी सरकार सही है, गुंडागर्दी नहीं है सरकार। अच्छा, जो बात है, मगर जब ये बात आ रही है तो केतली लड़का सही है ना? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर सही है, बढ़िया है। उसका नाम गूंज रहा है इस टाइम, हर जगह छा रहा है वो, ऐसी दूर नहीं है, थोड़ी बहुत दूर छा रहा, बरेली तक के सा रखा हो।
बरेली के लड़के साथ में हमारे काम करते हैं ना, बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद बढ़िया लोग। कौन आपके साथ काम करते हैं? लड़के काम करते हैं ना बरेली के मेरे पास। अच्छा, वो भी चंद्रशेखर को पसंद करते हैं, तो नाम गूंज रहा है उसका। तो आपकी वोट भी क्या उधर ही जा रही है? हाँ, केतली भी देंगे, केतली पर जाए। अभी चुनाव आ रहे हैं और इस बार चंद्रशेखर जी भी अलग से खड़े हुए हैं, तो क्या रुझान है इस बार समाज का, किधर? केतली है जी, तो केतली, केतली केतली है। हाँ, केतली। क्यों इस बार केतली सबको इतनी पसंद आ रही है, हाथी क्यों नहीं नजर आ रहा किसी को? हाथी के असल में हम तो ये माए बहन जी है, कई बार रह चुकी जो है। हाँ जी, कई बार रह कर चली गई, उन्होंने देखा ही लौट के जो है कहाँ हमारी दुनिया जो है कहाँ नहीं। तो इस बार चंद्रशेखर को ला रहे हैं, इस बार चंद्रशेखर पर रुझान है। क्यों आपको लग रहा है वैसे चंद्रशेखर पर रुझान इस तरीके का? आप जो कह रहे हैं कि मतलब हाथी के उम्मीदवार नजर भी नहीं आते हैं, उनके जो जीतते हैं वो नजर भी नहीं आते, चंद्रशेखर ने वही मैं पूछ रहा, चंद्रशेखर क्या लोगों के बीच में रहे हैं, क्या उनके मुद्दे आपको लगता है उठाते हैं? नहीं ना, मुद्दे उठाते जी, वो जो है जब गरीब आदमी की मदद करते हैं उसमें जो अपने आप बढ़ जाते हैं। जी, आप बताइए जी, क्या नाम हुआ आपका? निशांत कुमार। हाँ, निशांत कुमार। निशांत जी क्या करते हैं? दुकान है परचून की। दुकान है परचून की। कैसे रहे हैं 10 साल मोदी सरकार के? मोदी सरकार में इतना खास तो है नहीं, मजा नहीं रहा इस बार? नहीं, बिजनेस डाउन हुई है जी, बिल्कुल। और ये GST और नोटबंदी से कितना फर्क पड़ा? इससे भी कौन सा फर्क पड़ेगा, इससे भी कुछ ना पड़ा। अच्छा, मतलब नहीं, मैं डाउन हुआ मार्केट उससे? कुछ हुआ है, मार्केट तो डाउन ही है, डाउन ही है। हाँ, तो चंद्रशेखर आजाद को ला रहा है इस बार। आप भी चंद्रशेखर आजाद को ला रहे हैं? जी जी। अरे भाई, हम यहाँ मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ केतली कह रहे हैं, आप यहाँ दलितों के बीच में आ रहे हैं, आप भी केतली कह रहे हैं, क्या चीज़ है या केतली में ऐसा क्या मजा आ गया सबको इस बार? क्यों, मोदी सरकार में कौन सी पब्लिक थी उसकी? पब्लिक देख लो, पूरी हिंडन कॉलेज में पूरी इतनी पब्लिक थी। हाँ, इसमें कौन सी पब्लिक थी? योगी आया था उस दिन, सही बात। तो इसमें इतनी पब्लिक थी, भेदू की पब्लिक थी, और उस दिन इस पर भी 14 अप्रैल में बहुत पब्लिक थी। हाँ, तो इसलिए तो उसे लाना चाह रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये मुद्दे जो हैं, जो आपको लग रहा है कि मतलब क्योंकि बहन जी, या आपको लग रहा है, इस साहब कह रहे थे कि बहन जी है वो मुद्दे, या उनके प्रतिनिधि कम से कम है? तो शुरू में कर दिया हमने तो जो है बहन जी को शुरू में हाजिर कराने के लिए हमने पूरा संघर्ष करा जो है। अभी डॉक्टर सुखराम है जो है बराबर जो है बहन जी को साथ लेकर चले, हम 6 महीने तक खाई रही हुए थे हमारे मोहल्ले में, 6 महीने आई उन्होंने पहचाने नहीं खिलाओं के अंदर हमें। हम जब ऐसे ले गए 25 लाख का हाथी ले गए, पहचाने नहीं उन्होंने। अच्छा जी, डॉक्टर वो जो है सुखराम है कहने गिने के हमारे जो निकले उनके बीच में रही हुए थे 6 महीने तक। इस बार चंद्रशेखर को नौजवान भी बिल्कुल भी। अच्छा, जैसे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ताऊ हैं समाज के जिन्होंने आज तक हाथी के अलावा कुछ देखा नहीं, कितने साल, क्या वो भी बदलेंगे या वो बुजुर्ग ताऊ हुए वो तो जो है बच्चा बदलावा के दिली बक्के सब बदले केतली की तरह। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। हाँ बेटा बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवा। देवा, देवा क्या करते हो? मैं सैलून का काम करता हूँ। सैलून में काम करते हो, स्कूल नहीं जा रहे हो? स्कूल जा रहा था, अभी एडमिशन करवाऊंगा फिर मैं। अभी फिर से करवाऊंगा। हाँ। ठीक है, कौन सी क्लास में? मैं 7th। 7th में। चलो, क्या कहना चाह रहे थे आप? चंद्रशेखर भाई को वोट देना। आपने? हाँ। आपका वोट बन गया इतनी जल्दी? मेरा वोट नहीं बना, मेरे घर वालों का तो वोट है। क्या कह रहे हैं घर वाले, क्या कह रहे हैं? सब चंद्रशेखर को। आपके क्यों क्यों पसंद आ रहा चंद्रशेखर? चंद्रशेखर ने ये वाली बात बोली थी ना, गर्जन भले से कट जाए मगर जान द्वारे लिए दे दूंगा मैं। बस इस बात पे छाए पड़े हम इसकी। अच्छा, क्या बोला था फिर से बताओ? गर्दन भले से कट जाए मगर झुकूंगा नहीं किसी का सामने। झुकना नहीं है? हाँ। मतलब गर्दन चाहे कट जाए सम्मान नहीं जाना चाहिए। हाँ। ये बात बोली चंद्रशेखर भाई ने, ये पसंद आई। चलिए। हाँ। बहुत खूब, यही कहीं ना कहीं एक जोश है जो सबको पसंद आ रहा है जो चंद्रशेखर का। यहाँ पर आप आम लोगों से बात करेंगे तो यही कह रहे हैं कि चाहे वो दलित हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे किसी भी समाज के हों, किसान हो, मजदूर हो, यहाँ पर जो एक चीज़ जो सबसे सुनने को मिल रही है कि शोषण किसी का भी हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले रहे हैं चंद्रशेखर, और इसीलिए बहुत लोगों का रुझान उस तरफ जा रहा है। एक और नौजवान भी आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। आइए साहब, क्या नाम हुआ आपका? आइए इधर आइए, इधर आइए, सेंटर स्टेज। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम दीपक है। दीपक क्या करते हो? जी जॉब करता हूँ। कहाँ पर? नगीना में। नगीना में ही जॉब कर रहे हैं जी। चुनाव आ रहे हैं, दीपक कहाँ इस बार जाने की सोच रहे हो? कहाँ अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है अपना। अच्छा, ये आपके लोग तो केतली कह रहे हैं। अच्छा, आपका मन नहीं हुआ अभी केतली पर? अभी डिसाइड नहीं किया। आपका मन नहीं किया अभी? ठीक है। कुछ और नौजवान भी हमारे साथ जुड़े हैं जी। आपका नाम? अमित। अमित क्या करते हो? मैं हैंडीक्राफ्ट का काम करता हूँ। हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। बिजनेस कैसा रहा है 10 सालों में?
बढ़िया रहा। बढ़िया रहा, क्या मोदी सरकार से खुश हैं आप? हाँ। तो कहाँ वोट डाल रहे हैं? हमारे तो भाई साहब कैथली है। ले मोदी सरकार से खुश हो लेकिन वोट डाल रहे कैथली पर, ये कैसे हो गया? क्योंकि हमें कैथली अच्छी लगती है। कैथली अच्छी लगती है, क्या अच्छा लग रहा है कैथली में? वो जो है हम जो है जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब हमारे पूरा मोहल्ला जो है उन्हें वोट देगा सारा। हाँ। यहाँ तो दलित समाज की कई सारी वोटें पहले हाथी पर भी जाती थी, अब नहीं जाएगी ना। अब नहीं जाएंगी, क्यों नहीं जा रही इस बार? अब पता नहीं क्या। अच्छा। हमें जो है कैथली पसंद है, हम कैथली को देंगे। चंद्रशेखर पसंद है? हाँ जी। वही नौजवान पसंद है? हाँ। ठीक है, हमें चित्ता ही पसंद है। जीतता हुआ पसंद है? चित्ता, चित्ता पसंद है। तो चंद्रशेखर चीता है? चीता ही कहते हैं। अरे वाह, तो आपने चंद्रशेखर को चीता घोषित कर दिया जी। वो नारा लगता था देखो देखो शेर आया। अब की बार चीता ही आएगा। चलिए बहुत खूब, रफ्तार भी होती है चीते की और खूंखार तो होता ही है। दीदी चुनाव आ रहा है, क्या इस बार आपका रुझान बना है? रुझान क्या? हाँ सब बताओ। यहाँ तो सब लोग केतली कह रहे हैं। केतली? तो कोई बात ना, केतली पे आप बताओ ना क्या आपका तो मतलब? केतली पे देते हैं। केतली पर क्यों दे रहे हो? क्यों, मैं आपसे पूछ रहा क्यों केतली? बहन जी को क्यों नहीं दे रहे, केतली को क्यों दे रहे? बहन जी को? बहन जी कौन सा कुछ वो कर रही है बताओ। है हमारे सरकारी मकान आने वाले थे, हमारे मकान तक के नहीं बने, हमारी सारी छत टूटी पड़ी थी बताओ। हम तो उन्हें देंगे ना जहाँ जिस चीज़ से हमें फायदा होगा। तो मोदी सरकार से भी कोई फायदा? हमें तो मोदी सरकार से भी कुछ फायदा नहीं हुआ कुछ भी। इस बार क्या सोच रहे हैं? बस जहाँ हमारे मोहल्ले वाले देंगे हुई हम देंगे वोट। ठीक है, मोदी सरकार से फायदा तो जो हमारे लिए कुछ वो करेंगे बता। हाँ बोलिए बोलिए। है मोदी सरकार से जो फायदा था हमारे लिए कुछ करेगा, राशन का फायदा और कहे का फायदा है बताओ। महिलाओं के लिए कोई काम उस तरीके का? हम भी नहीं है हमारे और क्या होगा, ऑनलाइन करवा दो, मशीनों की सिलाई की वो आ रहे फार्म आ रहे कहीं कहीं क्या रहे, आता कुछ नहीं है, कोई स्कीम भी नहीं आती, कुछ नहीं आया उस तरीके। हमें तो कुछ भी लाभ नहीं है। वो तो कह रहे थे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ रही, तो पैसे लगा रहे कौन सा हमें कोई बोल रहा है, वजीफा वजीफा भी नहीं आ रहा, वजीफा भी नहीं आ रहा, कहीं कुछ भी नहीं आ रहा बताओ। ठीक है, तो मोदी सरकार से तो आप बहुत नाखुश लग रहे हो, अब उसके अलावा यहाँ पर एक केतली है, एक साइकिल है और एक आपकी हाथी है, किधर जाने की सोच रहे हो? इधर है, मैंने कहा देखो हम तो उतने से मोदी को ही फोन दे, वो क्या कर रहा, वो देते वोट हम तो उन्हें इसको मोदी जी को वो देते फूल पर देते। हाँ फूल, तो इस बार फूल तो भी देते बताओ, जब हमें कुछ लाभ नहीं तो हम फूल पर देख क्या करेंगे बताओ। अब कहाँ सोच रहे हो? अब कहाँ सोच रहे हैं देखेंगे। अच्छा चलिए, मन नहीं बनाया या बनाया भी है तो हमें नहीं बताना चाह रहे हैं, लोकतंत्र में अपना मत देने का भी और मत रखने का भी उतना ही अधिकार है जितना उसको छुपाने का अधिकार है, और इसलिए हम किसी पर वो दबाव नहीं डालेंगे। यहाँ पर हम नगीना शहर में यहाँ पर हम मुसलमानों के भी बीच में, दलितों के भी बीच में कई लोगों से बात हुई है, और इस बार रुझान बहुत बदले हुए लग रहे हैं। बहुत सारे लोग एक नए उम्मीदवार चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे हैं, कितना सफल हो पाएंगे ये तो खैर 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन एक नया रुझान और उसका एक जोश ज़रूर नज़र आ रहा है। जुड़े रहें CCA के साथ। शुक्रिया।